सब लोग अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे जोश से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे, जय हिंद, जय हिंद। सभी देशवासियों को आजादी के 75 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो आप लोगों ने कार्यक्रम देखा, जितने लोग आज यहाँ आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ हजारों स्टूडेंट्स और दिल्लीवासी आज यहाँ मौजूद हैं। मुझे लगता है आप सब लोगों को आज की ये शाम, 75 साल आज़ादी के मनाने की ये शाम यादगार रहेगी, हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी। पूरा देश, पूरा देश इस वक्त देशभक्ति के रस में डूबा हुआ है। अपने अपने तरीके से, नए नए तरीके से देश भर में लोग आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, जगह जगह जश्न मनाए जा रहे हैं, जगह जगह किस्म किस्म के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये समय उन सब शहीदों को याद करने का, जिन लोगों की शहादत की वजह से और जिन लोगों के संघर्ष की वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली थी। ये समय उनके सपनों को याद करने का, वो कैसा भारत चाहते थे। अनगिनत लोगों ने शहादत दी, अनगिनत लोग जेल गए, कईयों ने काला पानी काटा, बहुत यातनाएं सही। लेकिन मैं खासकर दो स्वतंत्रता सेनानियों की जिक्र करना चाहूंगा, एक बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, पूरी जिंदगी संघर्ष किया, एक बहुत ही गरीब परिवार से निकले, पूरी जिंदगी आजादी के लिए लड़े एक तरफ, और दूसरी तरफ दबे कुचले गरीबों दलितों के लिए लड़े, उनको उनका हक दिलाने के लिए लड़े, बराबरी के हक के लिए लड़े। और एक गरीब परिवार से, एक गांव से निकल के वो अमेरिका से और लंदन से, पता नहीं कहां कहां से, वो पीएचडी की डिग्री, दो दो डॉक्टरेट करके आए, दो दो डॉक्टरेट। और बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान। आज हम जिस तरह का भारत देख रहे हैं, जितनी तरक्की भारत ने की है, और जो आज हमें बराबरी का अधिकार मिला, बोलने की स्वतंत्रता मिली, इतने सारे फंडामेंटल राइट्स मिले, ये सब उसी महान शख्सियत का नतीजा है। और दूसरा मैं याद दिलाना चाहूंगा शहीद आजम भगत सिंह, उनकी शहादत को याद कीजिए। 23 साल का लड़का, 23 साल की उम्र में कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता है, कोई अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा होता है, कोई पिक्चर देख रहा होता है, 23 साल की उम्र के अंदर वो आदमी देश के लिए शहीद हो गया, फांसी चढ़ गया। भगत सिंह से हमें सुप्रीम सैक्रिफाइस की प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए अगर जरूरत पड़े तो जान भी कुर्बान कर देना, उसकी भी चिंता मत करना। पूरी दिल्ली में हम लोगों ने 500 जगह तिरंगे लगाए हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे तिरंगे, देखे आप लोगों ने,
दिल्ली हैज बिकम द सिटी ऑफ ट्राइकलर्स, दिल्ली तिरंगों का शहर बन गया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा ऊंचे तिरंगे दिल्ली के अंदर हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा तिरंगे। अभी मैं घर से निकला और यहां आ रहा था, आते आते रास्ते में मैंने गिने, वैसे तो आज बहुत सारे तिरंगे हैं हर जगह, लेकिन जो बड़े वाले तिरंगे जो 500 तिरंगे लगाए हैं, मुझे 9 तिरंगे दिखाई दिए, बड़े वाले तिरंगे। यही हमारा मकसद था, हमारा मकसद था कि हम लोग रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खो जाते हैं, घर में फैमिली के साथ, दफ्तर में, देश को भूल जाते हैं जिंदगी जीते जीते। दिल्ली आपको भूलने नहीं देगी, आप घर से बाहर निकलोगे आपको तिरंगा दिखाई देगा, देश याद आ जाएगा। फिर थोड़ी आगे जाओगे एक और तिरंगा दिखाई देगा, फिर थोड़ी आगे जाओगे एक और तिरंगा, दफ्तर से शाम को बाहर आओगे फिर तिरंगा दिखाई देगा, देश हर कदम पे आपको याद आएगा। यही हमारा मकसद था। आज पूरी दिल्ली के अंदर 25 लाख बच्चों को तिरंगे बांटे गए हैं, 25 लाख बच्चों को। और आज शाम को अभी 5 बजे ये 25 लाख बच्चे और हम सब लोग, दिल्ली में 100 जगह अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, हम सब लोग 5 बजे अपने हाथ में तिरंगा लेके एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे, पूरी हवा पूरी फिजा देशभक्ति से भरी हुई होगी। आज आपने देखा होगा अखबारों के अंदर भी, हर अखबार के अंदर एक पेज दोनों तरफ तिरंगे का आया है, देखा आप लोगों ने? तो जिसको तिरंगा नहीं भी मिला वो उस पेपर को काट के अपने हाथ में 5 बजे ऐसे उठा के राष्ट्रगान गा सकता है। सब लोगों को, आजादी के 75 साल के इस मौके पे एक प्रश्न मन में उठता है। कई लोगों से मैं बात करता हूं, आपस में लोग चर्चा करते हैं, 75 साल में हमने काफी तरक्की की, काफी प्रगति की, लेकिन इन 75 साल में कई देश भारत से आगे निकल गए। सिंगापुर हमारे से 15 साल बाद आजाद हुआ, हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। जापान द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, बर्बाद हो गया था जापान, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया था, तहस नहस हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। इसमें ताली बजाने की बात नहीं। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल तहस नहस हो गया था, जर्मनी हिटलर के बाद पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, वो भी हमसे आगे निकल गया। क्यों हम पीछे क्यों रह गए, भारत पीछे क्यों रह गया? हमारे में कोई कमी थोड़ी है, हम किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, भारत के लोग दुनिया में सबसे मेहनती लोग हैं, भारत के लोग दुनिया में बेस्ट लोग हैं, फिर हम पीछे क्यों रह गए? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। मैं हमेशा कहता हूं, जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो सबसे खूबसूरत जगह भारत को बनाया। भारत में नदियां हैं, पहाड़ हैं, जड़ी बूटियां हैं, फसलें हैं, क्या नहीं दिया भगवान ने, कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने। भगवान ने जब इंसान बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग उसने भारत में पैदा किए, फिर हम पीछे क्यों रह गए? कुछ लोग पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड, व्हाई नॉट?
हमारे पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट एडवोकेट हैं, बेस्ट साइंटिस्ट हैं। आज दुनिया को वर्ल्ड का लीडर होना चाहिए। तो दोस्तों आइए आज सब लोग मिलके 130 करोड़ भारत के लोग मिलके प्रण लें कि हम सब लोग मिलके आने वाले समय में भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे। हम सब लोग मिलके प्रण लें कि आने वाले समय में हम भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आज से 75 साल पहले जब हम सारे जने इकट्ठे हो गए, सब जब सारा भारत हो गया इकट्ठा हो गया, हमने अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया उठा के देश के। आज अगर एक बार फिर हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आप लोगों से, जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, जितने लोग मुझे अभी टीवी पे देख रहे हैं, दिल्ली वाले, दिल्ली के बाहर वाले, एक बहुत छोटी सी चीज मांगता हूं, बहुत छोटी सी चीज, जो 75 साल मना रहे हैं, एक छोटा सा प्रण कर सकते हैं हम लोग। हम लोग जब सड़क पे जा रहे होते हैं, चिप्स खा रहे हैं, उठा के पैकेट सड़क पे फेंक देते हैं, पानी पी रहे होते हैं, उठा के बोतल सड़क पे फेंक देते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं, चिप्स खाई, खिड़की खोली, उठा के बाहर फेंक दिया। आज से हम प्रण ले कि हम अपनी तरफ से कम देश को गंदा नहीं करेंगे। कहीं जितना हमारे पास हमारा अपना कूड़ा है, जब तक हमें कूड़ेदान दिखाई ना दे हम अपनी जेब में डालेंगे, और जब कूड़ेदान दिखाई देगा कूड़ेदान में डालेंगे। अगर बन सके, अगर कोई कूड़ा दिखाई दे और बन सके तो उसको उठा के हम कूड़ेदान में डालें, लेकिन अगर वो ना भी करे तो कम से कम अपनी तरफ से हम भारत के अंदर कहीं भी किसी भी पब्लिक स्थान, सार्वजनिक स्थान के ऊपर हम अपनी तरफ से कूड़ा नहीं डालेंगे। मंजूर है? गंदा नहीं करेंगे, अपने किसी भी सड़क को गंदी नहीं करेंगे, किसी भी सार्वजनिक स्थल को गंदा नहीं करेंगे। भारत को अगर हमें दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को आजादी के 75 साल बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा दिल कहता है कि भविष्य भारत का है, आने वाले समय में भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।